नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी, आइए चलते हैं झांसी की खबर की ओर। झांसी में समतर थाने में तैनात दरोगा द्वारा लगातार एक माह से पत्रकार के साथ किए जा रहे उत्पीड़न को लेकर आज पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल एसएसपी से मिला और कार्यवाही की मांग की। पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल आज एसएसपी दिनेश कुमार पी से मिला। पत्रकारों ने उन्हें बताया कि समतर थाने में तैनात दरोगा बेलगाम है। दरोगा का आम जनता और पत्रकारों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि दिनांक 4 जनवरी को पत्रकार अरविंद शिवास समतर थाने में समाचार कवरेज के लिए पहुंचे तो वहां तैनात दरोगा ने उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज की, जिसकी शिकायत क्षेत्राधिकारी से करने के बाद दरोगा ने उनके परिजनों का उत्पीड़न शुरू कर दिया। एसएसपी से सभी ने पत्रकार व उसके परिवार को उत्पीड़न रोकने व दरोगा के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह गुर्जर, झांसी मीडिया क्लब अध्यक्ष मुकेश वर्मा, यशपाल सिंह, श्याम शरण उपाध्याय सहित कई पत्रकार मौजूद रहे। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। समतर थाने में एक SI है, श्री अर्पित शर्मा। 4 जनवरी 2021 की बात है, मैं समाचार कवरेज करने गया तो उसी बात को लेकर जो है दो घटनाएं घटित हुई थी लूट की। दोनों पक्षों का आरोप था लूट के, उसी संबंध में मैंने उनसे जानकारी चाही तो उसी बात को लेकर भड़क गए और जाति सूचक शब्दों से गालियां देने लगे। इस संबंध में मैंने जो है क्षेत्राधिकारी मोड आदि जगह शिकायत की। आज मैंने कप्तान साहब से मुलाकात कर अपने शिकायती पत्र दिया और उनसे निवेदन किया कि सर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या आश्वासन दिया? कार्रवाई करने का आश्वासन दिया कप्तान साहब ने।